Hey there, my name is Lakshya Sharma and you are watching The Customizer. In this video, I'm gonna review Pixel Experience Plus based on Android 10 for Redmi Note 8. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले चलते हैं इस रोम के अबाउट सेक्शन में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रोम बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पे। सिक्योरिटी पैच लेवल इस रोम में 5 दिसंबर 2020 का है और इस रोम में आर्टिमिस कर्नल है। सिस्टम में आपको जेस्चर में जंप टू कैमरा का जेस्चर देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। सिस्टम नेविगेशन में आपको जेस्चर नेविगेशन, 3 बटन एंड 2 बटन नेविगेशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप जेस्चर की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप नेविगेशन बार पेल को भी हाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप 3 फिंगर स्वाइप स्क्रीनशॉट को इनेबल कर सकते हैं। बटन्स में लॉन्ग प्रेस पावर बटन फॉर टॉर्च अच्छे से काम कर रहा है। वॉल्यूम रॉकर वेग अच्छे से काम कर रहा है। स्टेटस बार में जाके आप नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर को क्विक सेटिंग्स में इनेबल कर सकते हैं। सिस्टम आइकन्स में जाके आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से आइकन्स दिखने चाहिए और कौन से आइकन्स नहीं दिखने चाहिए। यहाँ से आप क्लॉक की पोजीशन को लेफ्ट या राइट सेट कर सकते हैं। बैटरी आइकन स्टाइल के लिए आपको ये 3 ही स्टाइल देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर को आप नेवर शो, शो व्हेन एक्सपेंडेड या फिर ऑलवेज शो पे सेट कर सकते हैं। स्टेटस बार पे स्लाइड करके ब्राइटनेस को एडजस्ट करने वाला जेस्चर अच्छे से काम कर रहा है। यहां से आप क्विक पुल डाउन को इनेबल कर सकते हैं। यहां से आप रोज एंड कॉलम्स में आइकन नंबर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इस रूम के बैटरी सेक्शन का लुक कुछ ऐसा है। डिस्प्ले में आप डार्क थीम को इनेबल कर सकते हैं। लाइव डिस्प्ले में जाके आप डिस्प्ले के कलर्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं। पिक्चर एडजस्टमेंट में आपको ह्यू, सैचुरेशन, इंटेंसिटी और कंट्रास्ट को सेट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। डबल टैप टू वेक इस रूम में प्रेजेंट है और वो अच्छे से काम कर रहा है। डबल टैप टू स्लीप ऑन स्टेटस बार भी काम कर रहा है। सिक्योरिटी में चले तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड काफी तेज है। यहाँ पे फेस अनलॉक भी प्रेजेंट है, जो कि अच्छे से काम कर रहा है। डिजिटल वेलबीइंग तो आपको इस रूम में मिल ही जाएगा। इस रूम का डिफॉल्ट लॉन्चर पिक्सल लॉन्चर है, जिसकी सारी सेटिंग्स आप लोगों के सामने हैं।
स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आपको डिवाइस थीमिंग के लिए यह सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इस रूम का डिफॉल्ट कैमरा MIUI कैमरा है जिसके सारे फीचर्स एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं। ये रूम एंड्रॉइड 10 पे बेस्ड है तो CTS इसमें पास है और बैंकिंग एप्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं। क्विक सेटिंग्स में ऐड करने के लिए आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस रोम की बैटरी लाइफ की बात करें तो जैसे कि आप सब स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं, मेरे को 8.5 hours का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला विदाउट गेमिंग एंड मोस्टली मेरा फोन वाईफाई से कनेक्टेड था। तो आप लोगों को 7 to 8 hours का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा। कंक्लूजन की बात करें तो इस रोम की परफॉर्मेंस मुझे इतनी खास नहीं लगी, मुझे लैग्स एंड हिकअप्स देखने को मिले। और जैसा कि आप सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मुझे YouTube में भी ये बग देखने को मिला। तो अभी के लिए मैं इस रोम को रिकमेंड नहीं करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्रेस लाइक इफ यू लाइक इट, सब इफ यू लव्ड इट, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी काइंड।